गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैन मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने कल आपने पढ़ा था, बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप के 25 क्वेश्चन आपने पढ़े थे। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 26 से ही स्टार्ट करते हैं और 50 तक चलेंगे, यानी ये सीरीज टू स्टार्ट हो रही है और सीरीज टू के बारे में आपको आज पढ़ना है, ठीक है ना। आप अच्छे से क्वेश्चन को तैयार करें, पढ़ें और बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैव विकास, क्वेश्चन नंबर 26 है, जैव विकास के संबंध में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संबंध में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का लोप क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, उसके बारे में कहा जाता है, ठीक है ना। नंबर ए ऑप्शन है, अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग पर, ठीक है भैया। अंगों के उपयोग, ये लैमार्क ने दिया था इस सिद्धांत के बारे में, जिसमें कहा था कि जिस अंग का हम जितना ज्यादा उपयोग करते हैं वो उतना ज्यादा विकसित हो जाता है, और जिस अंग का हम कम उपयोग करेंगे वो उतना ही कम विकसित होगा। दूसरा, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन, ये सर्पों की पाई जाती है, जिसमें सर्पों का उदाहरण लैमार्क ने दिया था। क्या दिया था कि सर्पों में पैर होते थे जो बिलों में रहने में दिक्कत देते थे, तो उन्होंने पैरों के बल, पेट के बल घिसना शुरू किया और धीरे धीरे पैर समाप्त हो गए। प्राकृतिक चयन, ये डार्विनवाद था, और उपार्जित लक्षणों की वंशावली, ठीक है। लेकिन इसमें तो लक्षण विकसित होता है, प्राकृतिक चयन का मतलब है पूरे जीवधारी का चयन होगा, बिलों में रहने का ऐसा नहीं। अंगों के उपयोग अनुप्रयोग, ये लैमार्कवाद पर डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिस अंग का हम ज्यादा उपयोग करते हैं वो उतना ज्यादा विकसित हो जाता है, और जिसका कम उपयोग करते हैं वो कम विकसित होता है, ठीक है ना। जैसे आप सभी लोग ज्यादातर दाहिने हाथ से लिखते हैं, और दाहिने हाथ से लिखते समय क्या होता है कि ज्यादातर हम जितना उपयोग दाहिने हाथ का कर लेते हैं उतना उपयोग दूसरे हाथ का नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई। चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। वैसे तो ये सभी विशाल वन्य जीव बिल्लियों के रूप में आते हैं, लेकिन इसमें से मुख्य रूप से जो विलुप्त होने की कगार पर है या विलुप्त हो चुका है वो आपका चीता आता है, ठीक है ना। चीता है जो विलुप्त हो चुका है, बाद बाकी तो अभी पाए जाते हैं या इनकी संख्या कम हो चुकी है, ठीक है ना। और जिनकी संख्या कम हो जाती है उन्हें रेड डाटा बुक में रखा जाता है, फिर उनको संरक्षण दिया जाता है। संरक्षण देने के पश्चात क्या होता है कि जीवधारी को जैसी उनकी संख्या पर्याप्त हो जाती है उनको फिर से संरक्षण यानी रेड डाटा बुक से हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, यानी आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज यानी प्रेजेंट का पूर्वज कौन होता है। जावा मानव, क्रोमैग्नन मानव, नियंडरथल, पेकिंग मानव। तो भैया इसमें आपका जावा मानव, क्रोमैग्नन मानव आता है। इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन में रहते हैं, नियंडरथल या जावा कर देते हैं, ऐसा नहीं है, क्रोमैग्नन मानव हाल ही का पूर्वज है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरैसिक काल का सरीसृप पक्षी, ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ट्राई तथा जुरैसिक दोनों का, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है बहुत बड़ा पक्षी होता है, तो ये जो है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। इस पर आपने फिल्म भी देखी है, और नहीं देखी तो देख सकते हैं, जुरैसिक पार्क करके फिल्म आपकी बन चुकी है और देखी भी जा चुकी है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स किस वर्गों की बीच की योजक कड़ी है। योजक कड़ी क्या होती है कि ऐसे जीवधारी जिनमें अपने से कम विकसित और अपने से अधिक विकसित जीवधारियों के लक्षण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं योजक कड़ी। तो उभयचर और पक्षी, सरीसृप और पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी, तो ये आपका सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मैमथ पूर्वज हैं, मैमथ पूर्वज हैं। मैमथ माने कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। मैमथ हाथी को कहते हैं, ठीक है ना। मैमथ किसको कहते हैं, हाथी को। तो ये पूर्वज होंगी किसके, हाथी के पूर्वज होंगे, ठीक है, इसमें आपका हाथी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, डायनासोर थे, डायनासोर
और जितने भी मांसाहारी पक्षी थे ये सब आपके जुरैसिक काल में विकसित हुए हैं। तो इसमें देखते हैं सीनोजोइक, मीसोजोइक, पेलियोजोइक और मीसोजोइक सरीसृप। तो भैया देखिए यहाँ पर तो जुरैसिक के ऑप्शन ही नहीं दिया गया है ना, जुरैसिक का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ये आपके मीसोजोइक सरीसृप में आएंगे, ठीक है ना। 33 है डायनासोर रहे, 33 है डायनासोर रहे कब रहे, पेलियोजोइक युग में, सीनोजोइक युग में, मीसोजोइक युग में, प्लाइस्टोसीन युग में। तो भैया अभी आपने मीसोजोइक के बारे में पढ़ा था, तो इसमें भी आपका 33 में भी आपका मीसोजोइक युग में डायनासोर पाए गए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम, ठीक है ना, को बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले शरीर वाले वे जीव होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, ऑप्शन ए वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो इसमें आपका जो गर्म रुधिर वाले होते हैं वो अपने शरीर का टेम्परेचर हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, चाहे वो कोई सी भी ऋतु हो, ठीक है ना, चाहे वो गर्मी हो चाहे बरसात हो, इनके शरीर का टेम्परेचर हमेशा एक सा बना रहता है। निम्न में से कौन सा मछली नहीं है, निम्न में से कौन सा मछली नहीं है, कौन सी मछली नहीं है, है ना, कौन सी मछली, स्टारफिश, साफिश, पाइप फिश और गिटार फिश, इनमें से आपको छांटना है कौन सी फिश है। देखिए सबके नाम में फिश लगा हुआ है लेकिन जरूरी नहीं कि सब फिश हो, है ना। तो आपका जो स्टार फिश आता है ये संघ इकाइनोडर्मेटा का प्राणी होता है, संघ इकाइनोडर्मेटा का, और इसे इकाइनोडर्मेटा के जो प्राणी होते हैं उन्हें पिसीज वर्ग में नहीं लिया जाता, इसलिए आपका जो स्टार फिश है वो आपका मछली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन यानी मछली है, इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा वास्तविक मछली है, ठीक। तो रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश और कैटफिश, आपकी वास्तविक मछली के अंतर्गत कैटफिश आती है, ठीक है। 37 नंबर है निम्न में कौन सी एक वास्तविक रूप से मछली है, निम्न में कौन सी एक वास्तविक मछली है, भैया आपको छाड़ना उसी तरह का है जैसा कि आपका 36 था उसी तरह का 37 है कि निम्न में कौन सी एक वास्तविक रूप से मछली है। तो स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा, ये इनमें से आपको छाटना है। तो आपका जो समुद्री घोड़ा है वो दिखता कुछ अलग तरीके से लेकिन ये मछलियों की श्रेणी में आता है और इसे ही वास्तविक रूप से मछली कहा जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर सही होगा समुद्री घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न में से कौन एक मछली है, इनमें से आपको छाटना है कि कौन एक मछली है, समुद्री कीड़ा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ। तो आपके सामने क्या आता है कि समुद्री घोड़ा अभी आपने ऊपर पढ़ा था वैसे ही आंसर है, तो इसका भी आपका समुद्री घोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ा स्तनपाई कौन है, सबसे बड़ा स्तनपाई मतलब स्तनधारी कौन सा जंतु होते हैं, वे जीवधारी जो जिनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं और बच्चों को जन्म देते हैं वो कहलाते हैं स्तनपाई। तो सबसे बड़ा स्तनपाई कौन है, व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा और ध्रुवीय भालू, सारे स्तनपाई हैं लेकिन बड़ा कौन है सबसे ज्यादा, तो उसमें आपका व्हेल मछली आती है जो आपकी सबसे बड़ी स्तनपाई होती है। क्वेश्चन नंबर 40 व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है, आपको बताना है कि जो व्हेल मछली होती है वो निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। इससे पहले आप 39 एक बार पढ़ें तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये किस वर्ग का प्राणी है। 39 में कह रहा है सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, स्तनपाई मतलब कौन सा वर्ग हो गया, स्तनधारी वर्ग हो गया, है ना। तो यहाँ पर वो ऐसे ही क्वेश्चन है कि व्हेल निम्न में से किस वर्ग का प्राणी है, तो मत्स्य का है, स्तनपाई का है, सरीसृप का है, उभयचर का है। तो आपका जवाब होना चाहिए स्तनपाई या स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है निम्न में से कौन सा स्तनपाई है, फिर से वही सा क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन बदल दिए गए हैं, शार्क, कंगारू, ऑक्टोपस, व्हेल। तो भैया व्हेल ही आपका क्या हो जाएगा, स्तनपाई हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता,
निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकेडना, कंगारू, सेही, वेल, ये सारे स्तनधारी रखे गए हैं। लेकिन कह रहा है स्तनधारी, तो अभी मैंने आपको ऊपर परिभाषा बताई कि वे जीवधारी जो बच्चों को जन्म देते हैं स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनमें कौन सा ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है और बच्चे नहीं देता? तो आपका आंसर होगा वो एकिडना ऐसा प्राणी है जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। और भैया समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप SSC, रेलवे, TGT, PGT, नीट, पैरामेडिकल, ATC, कोई भी कंपटीशन संबंधित जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ, धीरे धीरे करके आपके पास आते रहेंगे और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो और मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, क्वेश्चन ढूंढता हूँ, तो आपसे एक लाइक तो बनता ही है ना। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपका कह रहा है उड़ने वाले स्तनपाई कौन है? उड़ने वाले स्तनपाई मतलब वे स्तनपाई स्तनधारी जो उड़ सकते हैं, है ना। ऐसा कौन सा स्तनधारी है? चलिए आप थोड़ा सा गेस कीजिए। जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलविन और चमगादड़, इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा ऐसा जीवधारी है जो स्तनपाई है और उड़ सकता है। वैसे तो स्तनधारी उड़ते नहीं है, तो आपका आंसर होगा चमगादड़। चमगादड़ ऐसा स्तनधारी है जो पक्षियों के समान उड़ता है, परंतु ये बच्चों को जन्म देता है और इसे स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है, ठीक है ना। इनके बाह्यकान भी, इसमें बाह्यकान भी पाए जाते हैं, इसलिए ये इसे स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है, ठीक है ना। जो रखा जाता है मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? यानी इनमें से आपको छांट कर बताना है कि कौन सा ऐसा जीवधारी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। आपका चमगादड़ है, कौआ है, चील है, तोता है, तो कौआ भी आता है, पैरट भी आता है, चील भी आती है। चमगादड़ के बारे में अभी मैंने इसको बताया कहाँ रखा जाता है, ये स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है, इसलिए इसे पक्षी वर्ग में नहीं रखा जाता। तो आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा कि चमगादड़ को पक्षी वर्ग में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन आपने देखा होगा, बहुत ही प्यारे जंतु, मछलियां होती, मछली टाइप की जीवधारी हैं, जो एक तो ये बिहेवियर में बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत जल्दी व्यवहार कर लेते हैं इंसानों से। तो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, इसमें वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन आपके आते हैं मत्स्य में, कह रहा है उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में। तो डॉल्फिन को स्तनधारी वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 आता है, चलिए देखते हैं 46। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गणों से पृथक करता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गणों से पृथक करता है? देखिए, वैसे मनुष्य को बंदरों के, यानी मनुष्य और बंदरों में ज्यादातर समानता पाई जाती है। कोई वैक्सीन बनाई जाती है, कोई टीका बनाया, जैसे इस समय कोरोना की वैक्सीन वगैरह चल रही है ना, तो उससे जो है क्या होता है कि उसको बनाने के लिए किसमें प्रयोग किया जाता है? बंदरों पे। तो जानने की इच्छा प्रकट करना, घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना, विपरीत अंगूठे, थोड़ी का बाहर निकलना, थोड़ी माने दाढ़ी होती, घ्राण शक्ति माने सूंघने की क्षमता, विपरीत अंगूठे, वैसे तो ये लगभग सब होता है, लेकिन क्या है ना कि जानने की इच्छा जो मनुष्य में होती है वो अन्य वानर गणों से उसे पृथक करती है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? सील जो है वो किस जाति का प्राणी है? मछली का है, पक्षी का है, सरीसृप का है, स्तनपाई का है? तो 47 का आंसर आपका, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से सील किस जाति का प्राणी है? ये आपका स्तनपाई हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? स्तनपाई हो जाएगा। तो देखिएगा आगे 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंगुटान। ये आपका जो लंगूर है ये कपी नहीं होता है। ऑक्टोपस है एक संधिपाद, एक शूलचर्मी, एक हेमिकार्डेट, एक मूधकवची मोलस्क। ऑक्टोपस मोलस्क का संकर प्राणी होता है और ये मूधकवची होता है।
और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। तो आपका स्क्विड होता है, इसको दैत्याकार भी कहते हैं, दैत्य भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आज से आज का टॉपिक आपका खत्म होता है, इसी के साथ आपके वीडियो फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।